चूर चूर नान, इसे चूर चूर नान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाथ में लेते ही चूर चूर हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर खूब सारा मक्खन डाला होता है, आटे को गूंधते वक्त भी और इसे सेकते वक्त भी। सेकते वक्त तो नहीं, सेकने के बाद, क्योंकि सेकते वक्त हम इसे तंदूर का इफेक्ट देंगे, इसलिए हमें इसे सेकते वक्त बिल्कुल मक्खन नहीं लगाना, सेकने से पहले आटा गूंधते वक्त और सेकने के बाद फिर ऊपर से मक्खन लगाकर सर्व करना है। बाकी बातें आगे चलकर करेंगे, उससे पहले आप सभी का स्वागत है कुक विद मेघना में, जहां मैं अपनी रसोई की रेसिपीज आपकी रसोई तक लाती हूं। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे चूर चूर नान की रेसिपी देखने। बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है इसके लिए हमें जो चाहिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ लिस्ट दे रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें इसके लिए आटा गूंद के रखना है। एक परात लेंगे, उसमें 2 कप मैदा डालेंगे, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। जी हाँ, इसके अंदर देसी घी जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको तेल या वनस्पति घी डालने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, चूर चूर नान खानी है ना। अब घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसको मैदे के साथ इतने अच्छे से रब करेंगे कि मैदे के हर पार्टिकल के साथ घी अच्छे से रब हो जाए और मिल जाए। आटे को हमें खस्ता करना है इस तरीके से। इसे आप गूंदिए अच्छे से, रब करिए और ये आपका शॉर्ट क्रस आटा टाइप बन जाएगा। जब आप हाथ में मुट्ठी लेंगे तो ये लड्डू सा बन जाएगा सूखा। फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप दही और फिर इसको थोड़ा सा गूंदना शुरू करेंगे। दही से ये काफी कुछ खट्टा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर धीरे धीरे करके ठंडा पानी डालेंगे। याद रहे, ठंडे पानी से इसे हमने गूंदना है, क्योंकि ठंडा पानी आटे को खस्ता करेगा। अब इसे हल्के हाथ से मुलायम गूंद दीजिए। इस आटे को जितना ज्यादा गूंदेंगे उतना ही ज्यादा इसमें ग्लूटेन फॉर्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसे खस्ता भी रखना है। आटा अब इकट्ठा हो गया है, 2 मिनट के लिए इसे और गूंदेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आटा बहुत अच्छा बन गया है। अब हम इसको रोल आउट करेंगे। पहले स्लैब पे इसे रख के एक बार इसको और गूंदेंगे और फिर सूखा आटा डाल के इसकी जितनी बड़ी हम रोटी बना सकते हैं हम बनाएंगे। शेप की आपको चिंता नहीं करनी, जितना बड़ा आप रोल आउट कर सकते हैं रोल आउट करिए। उसके बाद मैं बताऊंगी हमें क्या करना है। हमारी रोटी बहुत अच्छे से रोल आउट हो गई है। मैंने इसे बहुत हल्का सा मोटा रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला भी हमें नहीं करना। अब हम इसके अंदर लगाएंगे 1/4 कप घी। और आप चाहें तो इसके अंदर घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा खस्ता चाहिए। मैंने इसमें 1/4 कप के साथ साथ 1 बड़ा चम्मच घी और लगाया है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हैवी बनती है। लेकिन अगर आप ज्यादा घी या तेल पसंद करते हैं तो आप बेशक इसके अंदर घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम रोल आउट करेंगे। पहले मैंने पूरी रोटी पे बहुत अच्छे से घी मल लिया था। अब इसको रोल आउट करके हम एक प्लेट में रखकर अच्छे से कपड़े से चारों तरफ से ढककर फ्रिज में इसे 1/2 घंटे के लिए रखेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में आपके लिए पेड़े बनाना और उसे रोल आउट करना स्टफ करके मुश्किल हो जाएगा। ये प्लेट में रख के इसे अच्छे से किसी भी चीज से ढक लीजिए। मैंने इसे कपड़े से ढका है। अब हम इसे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रखेंगे। अब नान की स्टफिंग बना लेते हैं। एक बोल लीजिए, उसमें 200 ग्राम पनीर क्रश करके डालिए, 1 छोटा प्याज छोटा छोटा चॉप करके डालिए, हरी मिर्चें डालिए, ये ऑप्शनल है अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो। फिर उसके अंदर जाएगा कटा हुआ धनिया। अब जाएंगे सूखे मसाले, सबसे पहले नमक 1 चम्मच, फिर जाएगी उसके अंदर लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच और भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से मसल के, जिससे कि पूरे मसाले में स्पाइसेस अच्छे से मिल जाएं। और फिर हम इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1/2 घंटे बाद जब हम आटा निकालेंगे तभी हम इसको भी निकाल लेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, आटा निकाल लिया है। अब हम इसके पेड़े काटेंगे। इतने आटे में 6 पेड़े बनते हैं नान के लिए। अब हम इनको पेड़े बनाकर रख लेंगे। इसके अंदर जो घी था वो थोड़ा सा जम चुका है, तो ये हैंडल करना आसान होगा। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसकी एक कटोरी सी बनाएंगे हाथ में और उसमें खूब अच्छे से
आपको पनीर स्टफ करना है। याद रहे पनीर की स्टफिंग कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता स्टफ नान का। मैंने इसके अंदर खूब अच्छे से पनीर की स्टफिंग कर दी है। अब संभाल के इसको चारों कोनों से बहुत अच्छे से हमने बंद करना है। याद रहे कोई भी सिरा खुला ना रहे, नहीं तो आपकी स्टफिंग बाहर गिर सकती है जब हम इसे पकाएंगे। इसके ऊपर अब धनिया लगाएंगे, हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। अगर आप चाहें तो पूरा हाथ से फैला सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलन से भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। स्टफिंग भरने के बाद बेलन से जब आप रोल आउट करेंगे, कोशिश करें हाथ से ही इसे फैलाएं। लास्ट में बस हल्का सा प्रेशर देके थोड़ा सा उसको फाइनल स्प्रेड दे दें। हमारी नान रोल आउट हो चुकी है। ये मोटी ही रहती है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर स्टफिंग है। अब हमने तवा गरम करके रखा था, तवे पे हम इसको हल्की आग पे दोनों तरफ से पहले गोल्डन पूरा कर लेंगे। हल्की आग पे करना है, तेज आग पे करेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए तब हम तवा हटाएंगे और इसे डायरेक्ट आंच पे तंदूर का इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा जलाएंगे। याद रहे इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे से क्रिस्प होने चाहिए और सारे कॉर्नर्स भी अच्छे से पक जाने चाहिए। इसीलिए इसे हर एंगल से आप होल्ड करेंगे और अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्प कर देंगे। थोड़ा सा जो चारिंग इफेक्ट है वो भी इसी में आ जाएगा। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। नान जो है बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्प हो गई है, लाल भी हो गई है, थोड़ा सा कालापन भी आ गया है जैसे तंदूर की नान में आता है। अब इसे वापस तवे पे रखेंगे। इस पे लगाएंगे हम एक चम्मच मक्खन, आप दो भी लगा सकते हैं, सब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छे से इस पे मक्खन की लेयर हम लगा देंगे। फिर या तो आप हाथों में ले लें, लेकिन हाथों में लेंगे तो बहुत गर्म होगा ये, तो आप एक कपड़ा रखें उसके ऊपर आप ये नान रखें और इसको क्रश कर दें। हाथों से ही एक बार चूर चूर कर दे सर्व करने से पहले। एक और देखते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसको हाथों से पहले फैलाएंगे, फिर हल्का सा आटा लगाकर इसको रोल आउट करेंगे बेलन की मदद से। फिर से कहूंगी जब आप बेलन से इसे फैलाएं तब प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। अब इसे पहले से ही गर्म करे हुए तवे पे रखेंगे, दोनों तरफ से हल्की आग पे इसे लाल कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसे गैस पर सेकना शुरू करेंगे। देखिए पास से ये धीरे धीरे कैसे लाल हो रहा है और थोड़ा सा काला भी हो रहा है, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा वो तंदूर का इफेक्ट आ जाता है। ये हमारी अच्छे से लाल हो गई है। अब इस पे मक्खन लगाएंगे, इसको भी हाथों से क्रश करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर देंगे। इसे आप दही के साथ, दाल के साथ, चनों के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे दाल मखनी के साथ सर्व करा था, जिसकी रेसिपी भी मैंने साथ में ही अपलोड कर दी है, चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये बनाने के बाद आप अपने आप को कुल्चा किंग या कुल्चा क्वीन जरूर बोल सकते हैं, तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगेगी। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नान बनाकर भी और रेसिपी भी। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।